गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास सिक्स का हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स, इसमें हमने आज पढ़ना है हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। इससे पहले हमने बिल्डिंग्स में पढ़ा था कि स्तूपास क्या होते हैं। स्तूपास क्या होते हैं? स्तूपास होते हैं एक राउंड और लंबी बिल्डिंग होती है, ठीक है, गोल शेप में बनाई जाती है ये बिल्डिंग। तो इसमें एक सेंटर में एक बॉक्स रखा जाता है, एक स्पेस रखी जाती है जिसमें जो पुराने राजा वगैरह होते थे, जो शासक वगैरह होते थे, उनकी हड्डियाँ, ऐशीज और इनकी कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात उसमें रखे जाते थे। तो ये स्तूपास क्या है? एक राउंड शेप्ड बिल्डिंग होती है और लंबी होती है ये। तो हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट, किस तरह से बनाए जाते थे ये स्तूपास और जो टेम्पल्स थे ये किस तरह से बनाए जाते थे? स्तूपास एक बार फिर करते, स्तूपास एक राउंड शेप्ड बिल्डिंग होती है। ये क्यों बनाए जाते थे, मंदिर और स्तूपास क्यों बनाते थे? बिल्डिंग स्तूपा एंड टेम्पल वेंट थ्रू सेवरल स्टेजेस, ठीक है। ये बिल्डिंग स्तूपा, स्तूपा एक तरह की बिल्डिंग होती है। जो बिल्डिंग स्तूपा एंड जो मंदिर जो बनाए जाते थे उनको सेवरल स्टेजेस, उनकी तरह तरह की स्टेजेस होती थी, उनको किस तरह से बनाए जाते थे वो। यूजली किंग्स आर क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड द स्तूपास एंड टेम्पल। जो किंग राजे महाराजे या उनकी महारानियाँ होती थी, क्वींस होती थी, वो डिसाइड करते थे कि स्तूपास और टेम्पल्स होते हैं वो कहाँ बनाए जाएंगे और किस तरह से बनाए जाएंगे। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन। देखिए, हम जब घर बनाते हैं, अपना जब मकान बनाते हैं, उस तक हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग घर के लिए ईंटें लेके आते हैं, अच्छी तरह की ईंटें, सीमेंट, रेत, बजरी, जगह अच्छी चूज़ करते हैं हम लोग। फिर अच्छी तरह से प्लैंथ भरे जाते हैं, देन फिर हम जो बिल्डिंग है वो बना इस तरह से बनाते हैं कि वो मज़बूत बने। तो जो राजा महाराजा जो होते थे वो भी पहले क्या देखते थे, पहले फर्स्टली क्या करते थे, वो गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। सबसे कीमती पत्थर और अच्छा पत्थर वो ढूंढते थे बिल्डिंग बनाने के लिए। क्वेरीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस चूजन फॉर ए न्यू बिल्डिंग। उन्होंने एक जगह चुनी होती थी न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए, वहाँ पर उस पत्थर को फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। पहले तो वो पत्थर चुनते थे कि सुंदर पत्थर या सबसे कीमती पत्थर कौन सा है, अच्छी क्वालिटी वाला, फिर उसको उस जगह पर भेज दिया जाता था जहाँ पर बिल्डिंग बनानी होती थी। दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड। जो स्टोन होते हैं, खुरदरे होते हैं, फिर उनको एक अच्छी सी शेप दी जाती थी एंड कार्व्ड इनटू पिलर्स, और उनको पिलर्स, उन पत्थरों से पिलर बनाए जाते थे। एंड पैनल्स फॉर वॉल, दीवारों पे लगाने के लिए पैनल्स बनाते थे। फ्लोर्स एंड सीलिंग, फर्श डालने के लिए, छत डालने के लिए वो भी पत्थर को इस तरह बनाया जाता था कि उस पत्थर को ऐसे वो शक्ल देते थे कि उस पत्थर में दीवारों को भी लगाते थे, पत्थर फर्श पर भी पड़ता था और छत पर भी पड़ता था वो पत्थर। दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रेसिसली द राइट पोजिशन। फिर वो जगह चुनते थे कि किस सही पोजिशन पे जो है वो बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये तो ही बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। डिवोटीज ऑफन ब्रॉड गिफ्ट्स विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स। डिवोटीज होते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग मंदिरों में जाते हैं, उन लोगों को वो लोग क्या करते थे, ऑफन ब्रॉड गिफ्ट्स, स्पेशल गिफ्ट उनको दिए जाते थे, जो कि मंदिरों को उन गिफ्ट से क्या करते थे, मंदिरों को सजाया जाता था। तो इस तरह ये स्तूपास और टेम्पल्स बनाए जाते थे। नाउ हिंदू टेम्पल्स, जो हिंदुओं के मंदिर कैसे होते थे। डाइटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स, ठीक है। मंदिरों में किसकी पूजा की जाती थी, विष्णु भगवान की, शिवा शिव भगवान की और दुर्गा माता की जो है वो पूजा जो है इन मंदिरों में की जाती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल्स वॉज द रूम नाउन एज द गर्भगृह, वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड, ठीक है। ये जो टेम्पल्स थे उनमें एक खास जगह बनाई जाती थी, एक खास कमरा बनाया जाता था जिसका नाम रखा गया था गर्भगृह, वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी, जो सबसे बड़ा जो भगवान होता था उसकी फोटोज होती थी वहाँ पर रखी जाती थी। Often a tower known as the Shikhara was built on top of the Garbhgriha to mark this out as a sacred place. जो गर्भगृह रूम बनाया जाता था जहाँ पे सबसे बड़े जो भगवान होते थे उनकी फ़ोटो रखी जाती थी वहाँ पे, उसके ऊपर उस जो रूम बनाया जाता था उसके ऊपर एक टावर जैसा बनाया जाता था, ठीक है, एक टावर बनाते थे जिसका नाम था शिखारा। वो इसलिए बनाया जाता था कि ताकि किसी को पता चले कि ये एक पवित्र स्थान है। Most temples also had a space known as the mandapa, where a hall where people could assemble.
बहुत सारे मंदिरों में एक हॉल जैसा कमरा बनाया था, सबसे बड़ा हॉल बनाते थे ताकि वहाँ पे वो लोग जो हैं इकट्ठे हो पाए मीटिंग्स वगैरह करने के लिए। तो ये है हिंदू टेम्पल्स की बात, और ये है कि स्तूपास और टेम्पल्स क्यों बनाए जाते थे। बड़े जो राजा महाराजा थे वही लोग चुनते थे, पत्थर कैसा आएगा, जगह कैसे चुनी जाएगी, किस तरह से बनाया जाएगा, कौन सी उस पर नक्काशी की जाएगी, तो कौन सा कलर चुना जाएगा, तो सब कौन चुनते थे, राजा महाराजा। तो ये हो गई बात स्तूपास और टेम्पल्स की। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको इसके आगे पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाऊँगी कि आज से 1500 साल पहले पेंट, ये तो थी बात 1500 साल पहले बिल्डिंग्स कैसे होती थी, आगे 1500 साल पहले की पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।